हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून एवरीवन, दिस इज शिफा मैम, योर इंग्लिश एजुकेटर ऑन गाइडली। सो गाइज, आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो इसलिए लेकर आई थी क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की मुझे क्वेरी आ रही थी, बहुत सारे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम थी कि मैम हम इंग्लिश का सेक्शन मॉक देते हैं लेकिन हमारे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, हमारे नेगेटिव मार्किंग में ज़्यादा चले जा रहे हैं, तो हम क्या करें, प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो आप देखो कहीं ना कहीं आप लोग ये दो तीन गलतियां जो कर सकते हो उसको ध्यान से सुनना, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। यहाँ पे हम आपको स्ट्रैटेजी भी बताएंगे कि किस तरह से मार्क्स इंक्रीज होंगे और कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, एक्यूरेसी भी आएगी। तो देखो कहीं ना कहीं आप लोग ये दो तीन गलतियां जरूर कर रहे होंगे, इन दो तीन कैटेगरी में से एक कैटेगरी आपकी भी हो सकती है। सबसे पहली बात तो ऑल ऑफ ए सडन आप सेक्शन मॉक पे कूद जा रहे हो, ठीक है, जंप कर जा रहे हो। आपने क्या किया, तुरंत से आप सेक्शनल मॉक पे जंप कर गए। आप सोच रहे हो कि हम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे। आपको ये भी नहीं पता है कि किस टॉपिक का कौन सा क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, किस तरह से। आप बिल्कुल बिगिनर स्टूडेंट हो, तो भाई ये गलती मत करें आप लोग, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा करते हैं और इस वजह से उनको डिजायर्ड रिजल्ट या डिजायर्ड आउटपुट नहीं मिलता है, तो फिर आपको पैनिक होता है, फिर आप बोलते हो मैम मार्क्स नहीं आ रहे इंग्लिश सेक्शन में। दूसरी बात ये हो सकती है कि आपने क्वेश्चन को प्रैक्टिस तो किया लेकिन उसको सीरियसली प्रैक्टिस नहीं किया। आपने सोचा कि बस ठीक है 20-30 क्वेश्चन हर टॉपिक पे प्रैक्टिस कर लिया, ये नहीं भी किया और हम सेक्शनल मॉक दे रहे हैं, क्लासेस हम कर रहे हैं, यूट्यूब पे दिन भर टाइम वेस्ट कर रहे हैं, इधर उधर सारे वीडियोज देख रहे हैं, स्ट्रैटेजी वीडियोज देख रहे हैं, सारे टीचर्स को, बहुत सारे एजुकेटर्स का वीडियो देख रहे हैं, ऑल ऑफ ए सडन आउटपुट क्या आ रहा है, जीरो, कुछ भी नहीं आ रहा है और फिर हम सीधा जंप कर जा रहे हैं मॉक टेस्ट पे। ये कैटेगरी आपकी हो सकती है। नंबर थर्ड कैटेगरी ये भी हो सकती है कि आपने क्वेश्चंस को सीरियसली नहीं लिया, आपने सिर्फ थोड़े बहुत क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए, जैसे तैसे करके प्रैक्टिस कर ली, फिर उसके बाद आप मॉक टेस्ट पे जंप कर गए, तो इसकी वजह से भी आपके क्या हो रहे हैं, मार्क्स इंक्रीज नहीं हो रहे हैं। तो देखो एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ साथ आपको डेडिकेशन के साथ साथ कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी पड़ेगी, तभी ना कहीं आपको डिजायर्ड रिजल्ट, डिजायर्ड आउटपुट अचीव होगा। समझ आ रही है बात? तो अब इन तीनों में से कोई एक कैटेगरी आपकी भी हो सकती है जिसकी वजह से हो सकता है कि आप मार्क्स फेच नहीं कर पा रहे हो या आप जब क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हो सेक्शन मॉक पे इंग्लिश सेक्शन में तो नेगेटिव मार्किंग में ज्यादा जा रहे हैं। और तो पहली बात तो हम ये कहेंगे कि अगर आप बिगिनर स्टूडेंट हो या आप थोड़ा पहले से भी तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले तो आप एक दो सेक्शन मॉक दो, क्लर्क प्रीलिम्स लेवल का ही दो लेकिन एक दो सेक्शन मॉक दो। ध्यान से सुनो मेरी बात और एक एक करके इस चीज को स्टेप वाइज जरूर आप लोग फॉलो करिए। तो फर्स्ट स्टेप ये कर रहे हैं, चाहे आपने अभी तैयारी जस्ट स्टार्ट की है या आप कुछ दिन से तैयारी कर रहे हो बैंकिंग के लिए और इंग्लिश सेक्शन में मार्क्स इंक्रीज करना चाह रहे हो मॉक पे, तो सबसे पहली बात तो ये कि आप प्रीलिम्स लेवल के ही एक या दो मॉक दीजिए। इससे क्या होगा, क्वेश्चंस को एनालाइज करो कि जो हमारे एग्जाम में 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंग्लिश सेक्शन में किस तरह से आता है, पेपर का एक लेआउट क्या होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 10 से 11 क्वेश्चन आरसी के होते हैं, आपका 3-4 क्वेश्चन एरर स्पॉटिंग हो गया, 3-4 फ्रेज रिप्लेसमेंट का दे दिया और क्लोज टेस्ट हो गया 4-5 क्वेश्चन, या क्लोज टेस्ट नहीं आया तो उसकी जगह पे सेंटेंस रीअरेंजमेंट आ गया 5 मार्क्स में, तो इस तरह से पेपर का जो एक कंप्लीट सेटअप होता है वो आपके दिमाग में फीड हो जाएगा एक दो पेपर देने से कि अच्छा इस पैटर्न पे इस तरह से 30 क्वेश्चन का लेआउट हमारे सामने रखा जाता है एग्जाम में। अगर आप बिगिनर हो तो भी ये चीज करनी है, अगर आप थोड़ा सा पहले से भी तैयारी कर रहे हो तो एक दो मॉक आप दो जिससे कि आपको ये आइडिया बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से हमारे एग्जाम का 30 क्वेश्चन का लेआउट होता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद आपको किसी भी टीचर का, जिस टीचर का आपको वे ऑफ टीचिंग पसंद आता है, आप हर टॉपिक के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करिए। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया, क्लोज टेस्ट हो गया, पैरा जंबल हो गया, सेंटेंस रीअरेंजमेंट हो गया, आपका फिलर्स वाले क्वेश्चंस हो गए, सिंगल फिलर, डबल फिलर्स, पैराग्राफ फिलर्स, जो भी है क्लोज टेस्ट हो गया, आपका ये सेंटेंस कनेक्टेड स्टार्टर्स हो गया, वर्ड स्वैपिंग के क्वेश्चंस हो गए, मैच द कॉलम बेस्ड क्वेश्चंस हो गए, जो भी टॉपिक ये सब पूछे जाते हैं आपसे, तो ये सारे टॉपिक्स को आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो पहले कि किस तरह से टॉपिक को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने क्या किया, यूट्यूब पे टाइम वेस्ट नहीं करना है, एक एक आप तो देख लो तो ओवरव्यू मिल जाएगा कि हाँ इस तरह से हमें ये टॉपिक अटेम्प्ट करना होता है, इस तरह से ये स्ट्रेटजी हमें लगानी होती है। अब इसके बाद आपको क्या करना है नेक्स्ट, इसके बाद थर्ड नंबर पे ये करना है कि आपको बल्क में वो टॉपिक प्रैक्टिस करनी है, चाहे वो आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो, चाहे वो क्लोज टेस्ट हो, क्योंकि देखो बल्क में प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे, इस बात को बहुत सीरियसली लो। नंबर थर्ड पॉइंट जो हम बता रहे हैं इसको बहुत सीरियसली लोगे तभी कहीं ना कहीं आपको डिजायर्ड आउटपुट मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा, ठीक है। क्योंकि मैथ्स में हो जाता है, रीजनिंग में हो जाता है, थोड़े बहुत से भी काम चल जाता है, लेकिन इंग्लिश में थोड़े बहुत से काम नहीं चलता है, समझ आ रही है बात। तो जब तक आप हर टॉपिक के टारगेट नहीं करोगे कि मिनिमम हम 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ही करेंगे, क्योंकि आरसी में अगर आपने 100 आरसी प्रैक्टिस कर लिए ना, आपने जीडीपी से भी रिलेटेड कर लिया, कोविड से रिलेटेड कर लिया,
इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से रिलेटेड कर लिया, तो जब 100 अलग अलग टॉपिक्स पे आप आरसी फेस कर चुके हो, तो आप खुद सोचो कि एग्जाम में कहीं ना कहीं हम सारे टॉपिक्स कवर अप कर चुके हैं, 100 टॉपिक में हम सारे टॉपिक कवर अप कर चुके हैं कि कोई ऐसा टॉपिक नहीं जो हमसे जिससे हम अनजान हो, ठीक है। तो एग्जाम में कहीं ना कहीं उन 100 में से ही कोई ऐसा टॉपिक आएगा जो हम अच्छे से कवर कर पाएंगे, क्योंकि हमें ऑलरेडी उसका बैकग्राउंड पता है कि किस बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो ये चीज होती है। इसी तरह से अगर हम बात करेंगे ग्रामर के टॉपिक की, चाहे ग्रामर के क्वेश्चंस हो, एरर स्पॉटिंग हो या फ्रेज रिप्लेसमेंट हो, 150 से 200 क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो जितने ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं आपके रिवाइज होते जाएंगे, और जब एक ही कॉन्सेप्ट पे बेस्ड 4-5 क्वेश्चन आप करते रहोगे तो कहीं ना कहीं वो दिमाग में अपने आप फीड हो जाता है, वो याद करने की जरूरत भी नहीं होती है, ठीक है। तो इसलिए बल्क में क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, जिससे कि कोई ऐसा कॉन्सेप्ट ही नहीं होगा जो आपका छूट जाएगा, चाहे वो रीडिंग से रिलेटेड होगा, चाहे वो आपका ग्रामर से रिलेटेड होगा। तो इसलिए सारे टॉपिक्स को, जितने भी इंग्लिश के सब टॉपिक्स हैं पूछे जाते हैं एग्जाम में, सबको बल्क में प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। मिनिमम 100 क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करे ही करे, मिनिमम बिल्कुल हम बता रहे हैं, और मैक्सिमम तो आपका 200-300 की रेंज जा सकती है, जितना आप प्रैक्टिस कर लो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। फिर उसके बाद अब क्या होगा, प्रैक्टिस के साथ साथ मान लो कुछ क्वेश्चन गलत होते हैं, तो घबराना नहीं है। प्रैक्टिस के टाइम पे जब कुछ क्वेश्चन आपके गलत होते हैं, तो उस टाइम पे उसका आंसर को डिटेल में समझने की कोशिश करो कि क्यों हमारा गलत है, क्या रीजन है, क्या अप्रोच लग रही है, उस अप्रोच को समझने की कोशिश करें। जब आप समझोगे ना, तो कहीं ना कहीं होगा क्या कि अगर उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड कोई आपके सेक्शनल मॉक में क्वेश्चन आएगा, तो वो क्वेश्चन आप अच्छे से कर पाओगे अटेम्प्ट, क्लियर, और वो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, ये चीज है। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि आपने ओवरऑल प्रैक्टिस कर ली, आपकी क्या हो गई, सारे टॉपिक्स पे कमांड बन गई, आपकी कॉम्पिटेंसी डेवलप हो गई है कि अब हमारा आरसी क्लोजर्स पैरा जंबल जितने इंग्लिश के टॉपिक्स है सब पे कमांड डेवलप हो गई है। अब हम पूरा 30 क्वेश्चन का लेआउट लेकर बैठते हैं, तो अब हमें ये भी समझ आने लगा है कि कौन सा क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करे, कौन सा क्वेश्चन बाद में अटेम्प्ट करे। बच्चों की ये भी, आप लोगों की ये भी एक बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम होती है कि मैम जो 30 क्वेश्चन का जो लेआउट होता है ना इंग्लिश सेक्शन का, कौन सा क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करे, कौन सा बाद में। तो देखो, आप अपने आप को जानते हो, यू नो योर सेल्फ बेटर, तो यू आर द बेस्ट कॉम्पिटिटर ऑफ योर सेल्फ, आप ही अपने आप के कॉम्पिटिटर हो, ठीक है। तो आप जब सेक्शनल मॉक दोगे, तो आपको ये भी कहीं ना कहीं समझ में आने लगेगा कि पहले हम ग्रामर पार्ट करें कि पहले हम रीडिंग पार्ट करें। रीडिंग पार्ट में भी अगर हम पहले करेंगे तो कौन सा टॉपिक पहले करेंगे, जो जिसमें हमारी ज्यादा एक्यूरेसी बन जाती है, हमें कॉन्फिडेंस आता है। तो कहीं ना कहीं ये सारी बातों का आपको ध्यान रखना होता है जब आप सेक्शनल मॉक दे रहे होते हो, ठीक है। तो इन सारे पॉइंट्स को इंक्लूड जरूर करिए गाइज, मेरे 500% गारंटी है कि आप लोग के इंग्लिश सेक्शन में जो नेगेटिव मार्किंग में जाते हो आप लोग, जो आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हो गलत हो जाता है, मार्क्स नहीं इंक्रीज हो रहे हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। इस स्ट्रेटजी को जरूर अडॉप्ट करिए, और जैसे मैंने स्ट्रेटजी को पॉइंट वाइज बताया है एक एक करके, वैसे ही आप इस स्ट्रेटजी को ऑप्ट करिए, मेरी गारंटी है बिल्कुल आपके मार्क्स इंग्लिश सेक्शन में इंप्रूव होंगे, ठीक है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर जरूर करिए, और जुड़े रहिए मेरे साथ इंग्लिश सेशन में एवरीडे मॉर्निंग 12:30 PM एंड इवनिंग 8 PM, जहां पे हम आप लोगों को अच्छे लेवल के मेंस के बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चंस करा रहे हैं 8 बजे वाली क्लासेस में, ठीक है, सारे टॉपिक्स के। सो थैंक यू एवरीवन, स्टे